मोदी सरकार ने लॉन्च की मोबाइल ऐप, अब रेहड़ी पटरी वाले घर बैठे ले सकेंगे क्रेडिट की सुविधा। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को रेहड़ी पटरी वालों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए सरकार ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है, जिससे वो रेहड़ी पटरी वालों की लोन एप्लीकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग कर सकें। आपको बता दें कि सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को ये कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। माना जा रहा है कि इस योजना से 50 लाख को फायदा होगा। अब साइकिल से पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था। धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी पूरी तरह से नहीं खोले गए हैं। कोरोना के चलते हमारे जीवन में कई बड़े बदलाव आए हैं और उन्हीं में से एक बदलाव ये है कि शहरों की सड़कों पर साइकिलें वापस लौट आई हैं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खुलने की वजह से साइकिल चला रहा है तो कोई इसे जिम का विकल्प मान रहा है। इसी के चलते शहरी विकास मंत्रालय ने भी साइकिल फॉर चेंज मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते शहरों में साइकिलों के लिए खास ट्रैक बनाए जाएंगे। वहीं साइकिल व्यापारी गिरीश गोयल का कहना है कि उनकी दुकान में अब जो स्टॉक बचा है ये वो साइकिल हैं जो अब कोई खरीदना नहीं चाहता, बाकी सारी बिक चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सोचा नहीं था कि कोरोना टाइम में साइकिल की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये योजना ज़मीनी स्तर पर कार्य कर जाती है तो निश्चित ही साइकिलों की बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। जीएसटी रिफंड में हो रहा फर्जीवाड़ा, 1875 करोड़ के फेक क्लेम का खुलासा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी रिफंड के क्लेम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1377 निर्यातकों ने धोखाधड़ी के जरिए जीएसटी रिफंड के लिए 1875 करोड़ रुपए का दावा किया है। अहम बात यह है कि इससे 7 निर्यातक स्टार निर्यातक की श्रेणी में आते हैं, वहीं 3 स्टार निर्यातक की प्रतिकूल रिपोर्ट भी मिली है। कहने का मतलब ये है कि कुल 10 स्टार निर्यातक भी इस फर्जीवाड़ा का हिस्सा हैं। बता दें कि निर्यातकों द्वारा दावा किया जाने वाले रिफंड की राशि 28.9 करोड़ रुपए है। फिर घट गई तेल की डिमांड। 2 महीनों तक लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की शुरुआत हुई तो आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, जिसके कारण तेल की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों में फिर से गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण तेल की डिमांड में गिरावट आई है। साल दर साल तुलना करें तो जुलाई के पहले 15 दिनों में डीजल की डिमांड में 21% और पेट्रोल की डिमांड में 12% की गिरावट आई है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि मानसून के कारण भी पेट्रोल डीजल की डिमांड पर असर हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल के सभी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।